नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग गुप्ता एम्पायर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic को कृपया लाइक जरूर करिएगा। तो ये वीडियो गुप्ता एम्पायर के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि गुप्त एम्पायर किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से बाद में इसका डाउनफॉल हो गया, इस बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से राजा आए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं गुप्त एम्पायर के बारे में। द टाइम ऑफ गुप्ता एम्पायर इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत की हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर का जो समय था उसे गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह, इन चीज़ों में जितना ज़्यादा विकास हुआ किसी और एज में नहीं हुआ था। इसीलिए इस समय को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह एम्पायर श्री गुप्त के द्वारा बसाया गया था। दिस एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई श्री गुप्त। अब श्री गुप्त का नाम, असली नाम श्री गुप्त था या फिर उनका नाम सिर्फ गुप्त था, इस बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना था कि उनका नाम सिर्फ गुप्त है और उनके नाम के साथ जो श्री लगा हुआ है वो एक सम्मान सूचक शब्द है। तो इनके द्वारा यह एम्पायर एस्टैब्लिश किया गया था। दिस एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई श्री गुप्ता। द फर्स्ट टू किंग्स ऑफ द डायनेस्टी वेयर श्री गुप्ता एंड घटोत्कच। तो पहले राजा होगा श्री गुप्ता, उसके बाद फिर उनके बेटे घटोत्कच। ये दोनों शुरू के दो राजा थे जो जिन्होंने इस एम्पायर को आगे बढ़ने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो शुरू के दो राजा, इनका नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, श्रीगुप्त और घटोत्कच। तो इस एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाले थे श्रीगुप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद आए चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे ये पहले ऐसे इम्पॉर्टेंट राजा थे जिनके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है। ही एनहांस्ड हिज पावर एंड प्रेस्टीज बाई मैरिंग कुमारा देवी, प्रिंसेस ऑफ लिच्छवी क्लैन ऑफ नेपाल। तो लिच्छवी क्लैन के जो राजा थे, जो नेपाल में थे उस समय, ये उनके दामाद थे और इनकी वाइफ जो कि महारानी थी उनका नाम था कुमार देवी। तो कुमार देवी लिच्छवी क्लैन की थी, उनसे चंद्रगुप्त फर्स्ट ने विवाह किया था और इस विवाह के बाद गुप्त साम्राज्य जो है वो और बलशाली हुआ और विस्तृत हुआ और ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने प्रजा का बहुत ही ध्यान रखा और अपने प्रजा के अंदर जो ज्ञानी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ही एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ही स्ट्रक कॉइन्स इन द जॉइंट नेम्स ऑफ हिमसेल्फ, हिज क्वीन एंड द लिच्छवी नेशन। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था महाराजा धीराज का। इनके अगल बगल में, इनके राज्य के अगल बगल में जो छोटे छोटे राज्य थे, बहुत सारे राज्य इनके राज्य में समाहित हो गए थे। तो इनको जो टाइटल मिला महाराजा धीराज का, जो कि बहुत ही एक्सेप्टेड टाइटल था, चंद्रगुप्त फर्स्ट इतने पॉपुलर भी हो गए थे कि उन्हें महाराजा धीराज चंद्रगुप्त कहा जाता था। इनके जो कॉइन्स थे, इनके टाइम पर जो कॉइन्स बनाए जाते थे उनमें इनका नाम, खुद का भी नाम होता था, महारानी कुमार देवी का भी नाम होता था और लिच्छवी नेशन का भी नाम होता था। तो इस तरह से इन्होंने एक्नॉलेज किया, अपना ये जो वैवाहिक रिश्ता था इसको भी इन्होंने एक्नॉलेज किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा आए और प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने AD 335 से लेके 375 तक राज किया था। तो करीब 40 वर्षों तक इनका राज रहा। द गुप्ता किंगडम वॉज एनलार्ज्ड एनॉर्मसली बाय चंद्रगुप्ताज सन एंड सक्सेसर समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे और गुप्त साम्राज्य के बहुत ही इम्पॉर्टेंट राजा थे। समुद्रगुप्त जो थे वो अपने राज्य में, उन्होंने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट एंड लिटरेचर, इन सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़ावा दिया था। खासतौर से जो रिलीजियस ज्ञानी लोग थे, जो रिलीजन का ज्ञान रखते थे, जो समाज को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते थे, और साथ में जो टीचर्स एंड प्रीचर्स थे, इन सभी लोगों को काफ़ी बढ़ावा दिया समुद्रगुप्त ने। तो इस तरह से इन्होंने एक आदर्श समाज की स्थापना में भी कदम आगे बढ़ाया था।
Samudragupta believed in the policy of war and conquest, and because of his bravery and generalship, he is called the Napoleon of India by the historian V.A. Smith. इन्होंने कई जगहों पर हमले भी किए, कई राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया, कई राज्य स्वतः इनके राज्य में मिल गए, और इनकी जो ब्रेवरी और जनरलशिप थी, इनका जो सामर्थ्य था अपनी प्रजा को अच्छा जीवन देने का, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का जो सामर्थ्य था, इन सब चीज़ों की वजह से इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया. और इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहने वाले थे हिस्टोरियन वी ए स्मिथ. ये भी जरूर याद रखिएगा कि नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को हिस्टोरियन वी ए स्मिथ ने कहा था. समुद्रगुप्त इज सेड टू हैव कंपोज्ड न्यूमरस पोएम्स ऑफ हाई मेरिट. समुद्रगुप्त जो थे वो एक म्यूजिशियन भी थे, वो एक अच्छे पोएट भी थे, और इन्होंने बहुत सारे पोएम्स जो हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट पोएम्स इन्होंने उसकी रचना भी की थी. सम ऑफ हिज कॉइन्स रिप्रेजेंट हिम प्लेइंग वीना. बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी हैं, इनका अभी भी बहुत सारे फोटोज़ जो बनाए जाते हैं समुद्रगुप्त के, वो वीना प्ले करते हुए, वीना एक वाद्य यंत्र है, उसको प्ले करते हुए, उसको बजाते हुए इनके फोटोज़ आते हैं. तो उस ज़माने में भी कॉइन्स पर इनके जो फोटोज़ आते थे वो वीना को प्ले करते हुए, वीना बजाते हुए आते थे. इससे ये पता चलता है कि ये बहुत बड़े स्तर के एक म्यूजिशियन भी थे. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस. ही एज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ कविराज एंड विक्रमांका. इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था जो कि सक्सेसफुल हुआ था. अश्वमेध यज्ञ कुछ ऐसा होता है कि इस यज्ञ के पश्चात एक घोड़ा छोड़ा जाता, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वो जगह जो है वो उस राजा की हो जाती है जिसने उस घोड़े को छोड़ा होता, और यदि घोड़ा किसी राजा ने पकड़ लिया है तो उसे घोड़े को छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता है. तो एक सक्सेसफुल अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, और इस तरह से इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में अपनी ब्रेवरी का लोहा भी मनवाया था और अपने राज्य को और बढ़ाया था. समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, विक्रमांक भी कहा जाता था. तो इनके जो लिटरेचर में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, इन सब सारी चीज़ों की वजह से इनको ये सब टाइटल्स मिलते थे. वासुबंधु अ सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट स्कॉलर वॉज हिज मिनिस्टर. बहुत सारे लोगों ने वासुबंधु का नाम सुना होगा, एक बुद्धिस्ट ज्ञानी व्यक्ति थे जो कि इनके राज्य में इन्हीं के मिनिस्टर हुआ करते थे. दो समुद्रगुप्त वॉज अ फॉलोअर ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन. ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स. ही रिसीव्ड अ मिशनरी फ्रॉम मेघ वर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका सीकिंग हिज परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया विच ही ग्रांटेड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समुद्रगुप्त की लाइफ का कि ये एक हिंदू थे और सनातन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अदर फेथ्स जो दूसरे तरह के फेथ्स हुआ करते थे जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इन सब सारी चीज़ों को भी इन्होंने पूरा रेस्पेक्ट दिया था. मेघवर्मन नाम के एक राजा श्रीलंका में हुआ करते थे जिन्होंने इनसे परमिशन मांगी थी गया में बुद्धिस्ट टेम्पल बनाने की, जिसकी परमिशन समुद्रगुप्त ने दी थी. समुद्रगुप्त के बाद आए चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है. तो चंद्रगुप्त द्वितीय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं गुप्त साम्राज्य के. समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाई रामगुप्त. यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको रामगुप्त के बारे में भी बताऊंगा कि समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त राजा बने थे, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड ने इन्हें रामगुप्त को राजा के सिंहासन से हटा दिया था और रामगुप्त की वाइफ महारानी ध्रुव देवी से विवाह भी किया था. तो इसके भी एक कहानी है. कहानी कुछ ऐसी है कि गुप्त साम्राज्य जिस समय था उस समय शकों का, शक जो थे वो ईरानी कबीली वहाँ के ईरान से संबंधित लोग हुआ करते थे, वहाँ के कबीलाई लोग थे, और वो बार बार अटैक करते रहते थे भारत के क्षेत्रों पे. तो रामगुप्त जब थे उस समय शकों का आक्रमण भी हुआ था और रामगुप्त को शकों ने बंदी बना लिया था, और शकों ने एक कंडीशन रखी, उन्होंने कंडीशन रखी कि या तो राज्य ले लो या फिर रानी ध्रुव देवी को हमें दे दो. तो रामगुप्त को शकों ने बंदी बना लिया और राज्य के बदले उन्होंने रानी ध्रुव देवी की मांग की थी. उस समय चंद्रगुप्त सेकंड
उन्होंने शकों को भी हराया और रानी ध्रुव देवी से बाद में विवाह कर लिया। और इस प्रकार से रामगुप्त जो थे वो न सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा बल्कि प्रजा के द्वारा भी हटा दिए गए, राजा के पद से हटा दिए गए और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो राजा बन गए। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य का भी टाइटल लिया था और आपने बहुत नाम सुना होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही एंटर्ड इन टू मैट्रिमोनियल अलायंस विद द नागाज। चंद्रगुप्त सेकंड ने नागाज के साथ भी इनका कुबेर नाग जो इनकी महारानी थी उनसे विवाह करके एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया था। ही टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग रुद्र सिम्हा थर्ड अक्षत्रप किंग ऑफ उज्जैन। ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ सिंह विक्रम। चंद्रगुप्त सेकंड का एक युद्ध हुआ था रुद्र सिंह तृतीय के साथ। इस युद्ध में विक्रमादित्य ने विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और यहीं से इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। और ये रुद्र सिंह तृतीय जो थे वो उज्जैन के राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने सिंह विक्रम का भी टाइटल लिया था, लेकिन इनका जो सबसे पॉपुलर टाइटल था वो विक्रमादित्य था, तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही वॉज द फर्स्ट टू इशू सिल्वर कॉइन्स, ऑल्सो इशूड कॉपर कॉइन्स। तो इन्होंने सोने की जगह पे सिल्वर के कॉइन्स भी निकाले थे, इन्होंने कॉपर के कॉइन्स भी निकाले थे। द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली मेंशंस द किंग चंद्र कंसिडर्ड बाय मेनी एज चंद्रगुप्त सेकंड। कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक राजा के बारे में, राजा चंद्र के बारे में। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि ये राजा चंद्र जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कोर्ट में 9 gems यानी नवरत्न भी हुआ करते थे। हिज कोर्ट हैड 9 gems नवरत्नास इंक्लूडिंग, और इस नवरत्न के मेंबर कौन कौन थे, कालिदास एक महान पोएट थे, अमर सिंह, वराह मिहिर, धन्वंतरी, ऐसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। चाइनीज ट्रेवलर फाहियान इन्हीं के समय पर भारत में सबसे पहली बार आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद आए कुमारगुप्त फर्स्ट, जिन्होंने 413 से लेकर 455 एडी तक राज किया था। इन्होंने महेंद्रादित्य का टाइटल लिया था, तो कुमारगुप्त फर्स्ट को कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। कुमारगुप्त के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से हम लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं याद रखना। ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी, अ रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ एंशंट इंडिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया, किसने बनवाया, किसने उसे चलाया, तो जवाब है कुमारगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कुमारगुप्त के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी, अब चूंकि उस समय शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, तो कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई जो अपने समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कार्तिकेय, सन ऑफ लॉर्ड शिवा। तो कुमारगुप्त जो थे वो लॉर्ड कार्तिकेय की पूजा करते थे और उनके लाइफ से बहुत प्रभावित थे। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्पायर वॉज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ टर्को मंगोल क्राइब द हुनास। ड्यूरिंग द वार विद द हुनास कुमारगुप्त डाइड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी जरूर याद रखिएगा। कुमारगुप्त के टाइम पर हुनास का, हुण जो ट्राइब था उनका कई बार हमला हुआ। अब ये हुण कौन थे, ये मंगोल थे, टर्को मंगोल ट्राइब था। तो अगर भारत के मैप को हम सामने रख दें तो राइट साइड में जो चाइना और उसके ऊपर वाला इलाका है वो हो गया हुनास का, हुन्स का, और लेफ्ट वाला जो इलाका ईरान वगैरह का है ये हो गया शकों का। तो दोनों साइड से हमले होते रहते थे। तो लेफ्ट साइड से जो हमले हुए थे वो हमने रामगुप्त के साइड टाइम पर देखा, और राइट साइड से जो हमले हो रहे थे वो कुमारगुप्त के टाइम पर बहुत ज़्यादा हुए, और बाद में ये और बढ़ते गए। फिर दोनों साइड से जो हमले थे वो बढ़ते गए, और बाद में यही जो हमले थे ये गुप्त साम्राज्य को समाप्त करने में बड़े ही सहायक सिद्ध हुए। तो कुमारगुप्त का कई बार सामना हुआ हूण ट्राइब के साथ, और उन्हीं के साथ युद्ध में कुमारगुप्त की मृत्यु भी हुई। कुमारगुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त, जिन्होंने 455 से लेकर 467 तक राज किया। कुमारगुप्त फर्स्ट वॉज फॉलोड बाई स्कंदगुप्त।
ही फेस्ड हुनाज इफेक्टिवली, लेकिन हुनाज के खिलाफ जिस तरह से कुमारगुप्त फर्स्ट की मृत्यु हुई थी, स्कंदगुप्त उसके लिए बहुत ही तैयार थे और प्लानिंग के साथ उन्होंने हुनाज के साथ लड़ाई लड़ी। ही रिस्टोर्ड द सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, इसके बारे में हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। सुदर्शन लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक था जो कि हुनाज के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, उसे इन्होंने रिस्टोर किया, दोबारा बनवाया। After his death, the empire continued, but central control weakened and local governors became feudatory kings with hereditary rights. स्कंदगुप्त आखिरी पावरफुल राजा थे गुप्त साम्राज्य के। इनकी मृत्यु के बाद अगले जो भी राजा आए वो इतने बड़े एम्पायर को इकट्ठा रखने में असमर्थ रहे। जब स्कंदगुप्त थे उस समय भारत का जो गुप्त साम्राज्य का जो नक्शा था वो बहुत ही बड़ा हो चुका था। मतलब अगर ऊपर के पार्ट को छोड़ दें, मतलब भारत आज जो है ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दें और नीचे के पार्ट को थोड़ा सा छोड़ दें, तो फिर आप बीच से पूरा स्ट्रेच कर लीजिए, पूरा का पूरा इलाका जो है वो गुप्त साम्राज्य के अंदर था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद ये जो ज्योग्राफी ये चेंज होती गई और जो लोकल गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और अपने बच्चों को भी बाद में राजा बनाने लग गए। फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, किस तरह से गुप्त एम्पायर जो है वो समाप्त हुआ। द वीक सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्त कुड नॉट चेक द ग्रोइंग हुना पावर। ये हूण जो ट्राइब थे ये कई बार हारे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस तरह से देखा जाए वो बार बार हमला करते रहे और जब वो बार बार हमला करते रहे तो इस तरह से जो मिलिट्री पावर था वो वीकन होता गया गुप्त एम्पायर का। और साथ ही एक चीज़ और थी कि जो लोकल गवर्नर्स थे वो अपने आप को राजा बनाने के लिए इतने ज़्यादा तत्पर थे कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य के बहुत सारी जो गाइडलाइंस थी उनको मानने से भी इनकार कर दिया था और खुद ही राजा अपने आप को बना रहे थे। तो गुप्त एम्पायर को न सिर्फ हुनाज से शकों से बल्कि अपने खुद के लोगों से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। फ्यूडेटरीज रोज इन बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, वल्लभी एक्सेट्रा। तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों से जो गवर्नर्स थे वो अपने आप को राजा घोषित करते जा रहे थे और गुप्त एम्पायर इन सब को इकट्ठा रखने में असमर्थ सिद्ध हुआ। विष्णुगुप्त जो कि 540 से 550 तक इन्होंने राज किया, इज कंसिडर्ड द लास्ट गुप्ता रूलर। 540 से 550 तक जो विष्णुगुप्त आखिरी राजा थे इन्होंने राज किया, लेकिन तब तक गुप्त एम्पायर काफ़ी छोटा हो चुका था और इस तरह से धीरे धीरे करके गुप्त एम्पायर जो है वो समाप्त हो गया। तो श्रीगुप्त से शुरू हुआ और विष्णुगुप्त पर समाप्त हो गया। ये कहानी पूरी की पूरी गुप्ता एम्पायर की थी जिसे गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में जितना ज़्यादा पढ़ाई करें आप, जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करें उतना ही बेटर होगा। यदि आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।